राम मंदिर निर्माण की 3 नई तस्वीरें जारी की गई हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने तस्वीरें जारी की है। निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीरें जारी की गई हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समय मौजूद रहेंगे। पूजा से पहले पीएम कुबेर जीरे पर जटायु दर्शन करेंगे। 17 जनवरी को राम सेवकपुरम से निकलेगी शोभा यात्रा। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इस बात की जानकारी दी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद संतों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिविधान के लिए हम लोगों ने यहाँ के सारे महंतों को बैठा करके उनकी सहमति से जो चयन किया है वह कांची पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगतगुरु श्री विजेंद्र सरस्वती महाराज की निगरानी में उनके मार्गदर्शन में उस टोली का चयन हुआ है। काशी के सुप्रतिष्ठित अत्यंत श्रेष्ठ वैदिक विद्वान आचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित इसके प्रमुख आचार्य रहेंगे और इनके साथ लगभग 150 पंडितों की टोली रहेगी। ये विभिन्न प्रकार के पारायण और यज्ञ यागादि काम करते रहेंगे और ये सारा कार्य जो चलेगा यह पंडित श्री गणेश्वर शास्त्री दृष्टि की निगरानी में चलेगा और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की निगरानी में चलेगा। अब ये सब कार्य जो होना है ये 17 दिनांक से आरंभ होगा। अभी सब लोग जानते हैं कि भगवान राम लला के श्री विग्रह का निर्माण कार्य कार्यशाला में हो रहा है। वहाँ से 17 को बाकायदा शोभा यात्रा के साथ मंदिर में भगवान को पधराया जाएगा और उसके पश्चात विधि विधान का आरंभ दूसरे दिन से 18 तारीख से आरंभ हो जाएगा। अब इस विधि विधान में बहुत सारे प्रकार हैं, वे चलते रहेंगे। उसमें यज्ञ हैं, अनेक प्रकार के संकल्प हैं, अनेक प्रकार के जैसे जलाधिवास है, पुष्पाधिवास है, धान्याधिवास है, शय्याधिवास है, ये वास के कार्यक्रम वो चलते रहेंगे। अनेक प्रकार के न्यास हैं, वो न्यास के कार्य चलेंगे। ये वैदिक विधि विधान के अनुसार चलता रहेगा। वैदिक और आगमोक्त पद्धति को यानी पांचरात्र भक्ति पद्धति को लेकर के ये सारे विधान होंगे। 22 जनवरी को मृगशीर्ष नक्षत्र में श्री भगवान विराजमान होंगे ठीक 12:20 पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग चर्चा करने के लिए गए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए गए। पश्चात वे सबसे पहले जटायु की पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जटायु का एक सुंदर विग्रह यहाँ पर बन रहा है और ये जटायु जो भगवान के कार्य के लिए हुतात्मा बने, उन्होंने स्वयं भगवती जानकी जी की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमारी दृष्टि में वे सारे उन कार्यसेवकों के प्रतीक हैं, उन सारे बलिदानियों के प्रतीक हैं जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के कार्य के लिए न्यौछावर किया। उन सबके प्रतिनिधि के रूप में जटायु को पुष्पांजलि अर्पण करने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंदिर में पधारेंगे और वहाँ पर उनके हाथों भगवान का पूजन होगा, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, भगवान की आरती होगी और इस समय वहाँ पर उपस्थित रहेंगे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी तो है ही, उनके हाथों सब कुछ होना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहाँ पर रहेंगे। परम श्रद्धेय हमारे सत्संग चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर जो अर्चना करने वाले पुरोहित हैं वे रहेंगे। उसके पश्चात वे उस कार्य को संपादित करने के बाद में बाहर आकर के संतों से मिलेंगे। संतों के और देश के चुने हुए गणमान्य अन्य लोगों के समक्ष उनका इस लोकार्पण का भाषण होगा और इस भाषण के पश्चात इस कार्य को पूर्ण करने के बाद में स्वयं संतों का दर्शन की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।